टू बियास होममेड डिशेस। आज हम एक हेल्दी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो है हमारी कैबेज और मटर की सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पैन में ऑयल डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला है मैंने, एक चम्मच जीरा डालूंगी। थोड़ा अच्छे से ये हो जाए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। अब थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। चार हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो भी इसमें डाल लेंगे। आधा केजी कैबेज है ये, मैंने इन्हें बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो इसमें डाल लेंगे। दो मिनट हम अब इसे ढककर पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं, मैं अब चेक कर लूंगी। देखिए अच्छे से नीचे बैठ गई है, हमें अब मिक्स करने में आसानी होगी। इसका सारा पानी छूट गया है। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। ये फ्रोजन मटर है एक कटोरी, उन्हें मैंने अच्छे से कुकर में बॉईल कर लिया है, ये भी इसमें डाल लेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी एक चम्मच, जीरा पाउडर एक चम्मच और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से अच्छे से खट्टा टेस्ट आता है, इसीलिए मैंने डाला है। आप इसके अलावा लेमन भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। 3 मिनट तक लो फ्लेम पर रखा था मैंने, अब चेक कर लेंगे। देखिए इसका सारा पानी सूख गया है और थोड़ा सा ये अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच नमक और हरा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी हेल्दी डिश बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत इजी तरीके से हमने सब्जी बना ली है। देखिए हमारी कैबेज और मटर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।